हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एडुकेशन। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर वन ऑफ योर क्लास फोर न्यू मलबेरी इंग्लिश बुक पीपी गोज टू द सर्कस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाई एस्ट्रिड लिंडग्रेन, और हम चैप्टर को अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। पीपी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरली स्ट्रॉन्ग रेड हेडेड 9-year-old गर्ल हुज फादर वॉज अ सी कैप्टन। ये जो स्टोरी है वो पीपी के बारे में है। पीपी जो है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग, रेड हेडेड का मतलब उसके जो हेयर है वो रेड कलर के हैं और उसकी एज है 9 years। उसके फादर सी कैप्टन हैं। बिकॉज शी हैड ग्रोन अप एट सी शी डिडंट नो मच अबाउट लाइफ ऑन लैंड, क्योंकि वो ज़्यादातर उसको समुद्र में ही रहना पड़ता था शिप के ऊपर, इसकी वजह से उसे ज़मीन के बारे में ज़िंदगी कैसी होती है उसको नहीं अंदाज़ा था। लेट्स रीड वॉट हैपेंड वेन पीपीज फ्रेंड्स टॉमी एंड अनिका इन्वाइटेड हर टू गो विद देम टू द सर्कस। अब हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ जब पीपी के दोस्त टॉमी और अनिका उसे इन्वाइट करते हैं सर्कस में अपने साथ चलने के लिए। अ सर्कस हैड कम टू द लिटिल टाउन एंड ऑल द चिल्ड्रेन वेयर बेगिंग देयर मदर्स एंड फादर्स फॉर परमिशन टू गो। शहर में एक सर्कस लगा है और सारे ही बच्चे अपने मम्मी और पापा को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें परमिशन दे दीजिए जाने के लिए। ऑफकोर्स टॉमी एंड अनिका आस्क्ड टू गो टू एंड देयर फादर गेव देम सम मनी। क्लचिंग इट टाइटली इन देयर हैंड्स दे रश्ड ओवर टू पीपीज। तो टॉमी और अनिका ने भी अपने मम्मी पापा से परमिशन मांगी, तो उनके पापा ने उन्हें परमिशन भी दी है और कुछ पैसे भी दिए। उस पैसे को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ते हुए वो तेज़ी से पीपी के पास दौड़े। पीपी से टॉमी ऑल आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज दे हैड बीन रनिंग सो फास्ट। पीपी डू यू वॉन्ट टू गो विथ अस टू द सर्कस। तो टॉमी पीपी से कहता है कि उसकी सांस फूल रही होती है क्योंकि वो बहुत दूर से दौड़ते हुए आ रहे थे बहुत तेज़ी से। तो वो पूछता है कि पीपी क्या तुम हमारे साथ सर्कस चलोगी। आई कैन गो विथ यू मोस्ट एनी वेयर आंसर्ड पीपी, बट वेदर आई कैन गो टू द सर्कस और नॉट आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट नो वॉट अ सर्कस इज, डज इट हर्ट। तो पीपी बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सर्कस जा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि सर्कस होता क्या है, क्या वहाँ पे चोट लगती है। सिली सेड टॉमी, ऑफ कोर्स इट डजंट हर्ट, इट्स फन, देयर आर हॉर्सेस एंड क्लाउंस एंड पीपल दैट वॉक द टाइट रोप। तो टॉमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम पागल हो गई हो, वहाँ कोई चोट नहीं लगती, उल्टा मज़ा आता है, वहाँ पे घोड़े होते हैं और जोकर्स होते हैं और लोग होते हैं जो कि रस्सियों के ऊपर चलते हैं। बट इट कॉस्ट मनी सेड अनिका ओपनिंग हर स्मॉल फिस्ट टू सी इफ द शाइनी हाफ डॉलर एंड द क्वार्टर्स वर स्टिल देयर। लेकिन अनिका कहती है कि सर्कस में जाने के लिए पैसे लगते हैं। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली और देखा कि उसके हाथ में जो पैसे हैं वो पैसे थे वो अभी भी हैं या नहीं। आई एम रिच एज अ ट्रोल सेड पीपी सो आई गेस आई कैन बाई अ सर्कस ऑल राइट। तो पीपी कहती है कि मैं तो बहुत अमीर हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो आज पूरे सर्कस को ही खरीद लूँगी। ओ डोंट बी सो सिली सेड टॉमी, यू डोंट बाई अ सर्कस, इट कॉस्ट मनी टू गो एंड लुक एट इट। तो टॉमी कहता है कि तुम पागल हो गई हो, सर्कस को ख़रीदते नहीं हैं, बस वहाँ जाते वक्त पैसे लगते हैं और हम सर्कस को इंजॉय कर सकते हैं। ओ डियर क्राइड पीपी एंड शट हर आईज टाइटली, इट कॉस्ट मनी टू लुक एंड हेयर आई गो अराउंड गॉगलिंग ऑल डे लॉन्ग, गुडनेस नोज हाउ मच मनी आई हैव गॉगल्ड अप ऑलरेडी। तो पीपी चिल्लाते हुए कहती है कि सिर्फ और सिर्फ देखने के पैसे लगते हैं और मैं पूरे दिन जो देखती रहती हूँ और तो इसके पता नहीं कितने पैसे अभी तक मेरे लग गए होंगे। एट लास्ट टॉमी एंड अनिका मैनेज टू एक्सप्लेन टू पीपी वॉट अ सर्कस रियली वॉज एंड शी टुक सम मनी आउट ऑफ हर सूट केस देन शी पुट ऑन हर हैट विच वॉज एज बिग एज अ माइल स्टोन एंड ऑफ दे ऑल वेंट। आखिर में टॉमी और अनिका ने पीपी को समझाया कि सर्कस होता क्या है, तो उसने अपने सूटकेस में से कुछ पैसे निकाले, उसने अपनी हैट लगाई जो कि एक माइलस्टोन जितनी बड़ी थी और वो सब वहाँ से सर्कस के लिए निकल गए। पीपी टॉमी एंड अनिका केम टू सिट ऑन सम ब्यूटीफुल रेड चेयर्स
राइट नेक्स्ट टू द रिंग। पीपी, टॉमी और अनिका जो है वो कुछ खूबसूरत लाल रंग की कुर्सियाँ रखे हुए थे रिंग के करीब में, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। दिस इज़ अ मार्वेलस प्लेस, सेड पीपी लुकिंग अराउंड इन एस्टोनिशमेंट, बट सी दे हैव स्पिल्ड सॉडस्ट ऑल ओवर द फ्लोर, नॉट दैट आई एम ओवर फसी माई सेल्फ बट दैट डज लुक केयरलेस टू मी। तो पीपी कहती है कि ये तो एक बहुत ही अच्छी जगह है, और वो आसपास बहुत हैरानी से देखती है। फिर वो बोलती है कि लेकिन देखो, इन्होंने यहाँ पे सॉ डस्ट यानी कि भूसा जो है वो फेंका हुआ है, और मैं भी बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ, मतलब गंद फैलाती हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझसे भी ज़्यादा केयरलेस लग रहे हैं। टॉमी एक्सप्लेन डैट ऑल सर्कसेज हैड सॉडस्ट ऑन द फ्लोर फॉर द हॉर्सेस टू रन अराउंड इन। टॉमी उसे समझाता है कि सारे सर्कसों में फ्लोर के ऊपर सॉडस्ट रहता है ताकि उसके ऊपर घोड़े जो हैं वो दौड़ सके। ऑन अ प्लेटफॉर्म नियर बाई द सर्कस बैंड सडनली बिगैन टू प्ले अ थंडरिंग मार्च। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द परफॉर्मर्स एंट्रेंस वॉज ड्रॉन असाइड एंड द रिंग मास्टर इन अ ब्लैक फ्रॉक कोट केम रनिंग इन टू द रिंग फॉलोड बाई अ कोल ब्लैक हॉर्स। तो पास में एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सर्कस का जो बैंड था वो अचानक से एक धुन बजाता है, और परफॉर्मेंस के जो परफॉर्म करने वाले थे उनके सामने से जो पर्दा होता है वो हट जाता है, और रिंग मास्टर आता है दौड़ते हुए रिंग के अंदर। उसके पीछे आता है एक काले रंग का घोड़ा। ऑन इट्स बैक स्टूड अ ब्यूटिफुल लेडी ड्रेस्ड इन ग्रीन सिल्क टाइट्स, द प्रोग्राम सेड हर नेम वॉज मिस कैरमन सीटा। तो उस घोड़े के ऊपर बैठी हुई रहती है खूबसूरत सी लेडी जिन्होंने ट्राउजर्स पहने थे टाइट ग्रीन कलर के, और उनका नाम था मिस कैरमन सीटा। द हॉर्स ट्रॉटेड अराउंड इन द सॉडस्ट एंड मिस कैरमन सीटा स्टूड कामली ऑन हिज बैक एंड स्माइल। तो वो घोड़ा जो है वो सॉडस्ट के ऊपर घूम रहा था, और मिस कैरमन सीटा जो है वो उसके ऊपर बैठकर मुस्कुरा रही थी। बट देन समथिंग हैपेंड जस्ट एज द हॉर्स पास्ड पीपी सीट, समथिंग केम स्विशिंग थ्रू द एयर एंड इट वॉज नन अदर देन पीपी हरसेल्फ एंड देयर शी स्टूड ऑन द हॉर्स बैक बिहाइंड मिस कैरमन सीटा। लेकिन तभी जब पीपी जो के पास से घोड़ा जब गुजरता है उसी वक्त कुछ हवा में तेज़ी से घूमता है, और वो और कोई नहीं बस खुद पीपी ही थी। पीपी जो है वो घोड़े के पीठ पर बैठ जाती है मिस कैरमन सीटा के पीछे। एट फर्स्ट मिस कैरमन सीटा वॉज सो एस्टॉनिश्ड दैट शी नियरली फेल ऑफ द हॉर्स। शी बिगैन टू पुश विथ हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक टू मेक पीपी जंप ऑफ बट दैट डिडंट वर्क। तो ये देखकर तो मिस कैरमन सीटा पहले इतनी हैरान होती है कि वो उससे लगता है कि वो घोड़े से ही गिर जाएगी। उसके बाद वो अपने हाथों से पीपी को धक्का देने लगती है ताकि पीपी जो है वो कूद जाए, लेकिन उससे भी काम नहीं बनता। टेक इट ईजी सेड पीपी, डू यू थिंक यू आर द ओनली वन हु कैन हैव एनी फन, अदर पीपल हैव पेड टू हैवंट दे। तो पीपी कहती है कि आराम से बैठो, कि आप तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही मज़े कर सकती हो, बाकी लोगों ने भी पैसे दिए हैं क्या, उन्होंने नहीं दिए पैसे। देन मिस कैरमन सीटा ट्राई टू जंप ऑफ हरसेल्फ बट दैट डिडंट वर्क आइदर बिकॉज पीपी वॉज होल्डिंग हर टाइटली अराउंड द वेस्ट। जब मिस कैरमन सीटा पीपी को नहीं उतार पाती तो वो खुद भी कूदने की कोशिश करती है, लेकिन पीपी उन्हें कसकर पकड़ लेती है जिससे वो ऐसा नहीं कर पाती। द ऑडियंस कूडेंट हेल्प लाफिंग, दे थॉट इट वॉज फनी टू सी द लवली मिस कैरमन सीटा हेल्ड अगेंस्ट हर विल बाई अ लिटिल रेड हेडेड यंगस्टर हु स्टूड देयर ऑन द हॉर्स बैक। तो ऑडियंस जो है वो बहुत तेज़ी से हंसते हैं, उन्हें ये बहुत फनी लगता है कि मिस कैरमन सीटा जो है वो अपनी मर्जी के खिलाफ एक लाल बालों वाली बच्ची के साथ बैठी हुई थी। बट द रिंग मास्टर डिडेंट लाफ, ही टर्न टूअर्ड एन अटेंडेंट इन अ रेड यूनिफॉर्म एंड मेड अ साइन टू हिम टू गो एंड स्टॉप द हॉर्स। लेकिन रिंग मास्टर जो है वो हंसता नहीं है, वो एक अटेंडेंट की तरफ घूमता है जो कि जिसने रेड कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और उससे जाके इशारा करता है कि तुम जाके घोड़े को रोको। इज दिस एक्ट ऑलरेडी ओवर, आस्क्स पीपी इन अ डिसअपॉइंटेड टोन, जस्ट व्हेन वी वर हैविंग सो मच फन। तो पीपी पूछती है कि इतनी जल्दी ये नाटक ख़त्म हो गया, बस अभी तो हमें मज़ा आना शुरू हुआ था। गेट ऑफ द हॉर्स सेड द रिंग मास्टर, रिंग मास्टर कहता है कि घोड़े से उतरो। पीपी लुक्ड एट हिम सैडली, व्हाई आर यू अनॉयड विथ मी, शी आस्क्ड, व्हाट्स द मैटर, आई थॉट वी वर हेयर टू हैव फन।
तो पीपी उसकी तरफ दुखी होकर देखती है और बोलती है कि तुम मुझसे इतने चिढ़े हुए क्यों हो, क्या बात है, मुझे तो लगा कि हम यहाँ पर मज़े करने के लिए आए थे। शी स्किप्ड ऑफ द हॉर्स एंड वेंट बैक टू हर सीट, बट नाउ टू ह्यूज गार्ड्स केम टू रिमूव हर फ्रॉम द सर्कस। वो घोड़े से कूद जाती है और अपनी सीट पे जाके वापस बैठ जाती है। तभी दो बड़े बड़े गार्ड्स आते हैं उसे सर्कस से बाहर निकालने के लिए। दे टुक होल्ड ऑफ हर एंड ट्राई टू लिफ्ट हर अप, दे कुडन डू इट। पीपी सैट एब्सोल्युटली स्टिल एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू बज हर, ऑल दो दे ट्राइड एज हार्ड एज दे कुड। वो उसे पकड़ते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। पीपी जैसे बैठी थी वो वैसे ही बैठी रहती है और उसे वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला पाते। एट लास्ट दे श्रग्ड देयर शोल्डर्स एंड वेंट ऑफ। पीपी स्माइल एंड शी सैट एंड वॉच द रेस्ट ऑफ द शो। आखिर वो अपने कंधे झाड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। पीपी मुस्कुराती है और उसने बाकी का सारा शो वो वहाँ पर बैठकर देखती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।